जय श्री गुरु। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि आपके पत्नी के हाथों से जानिए आपके पत्नी का धन, आपके पत्नी का भाग्य, आपके पत्नी का गुप्त धन। तो ये कैसे जानने का, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। तो पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप ये बात समझ पाओगे। क्या है ना कि दोस्तों, कि जो मैंने जो वीडियो डाले थे कि पत्नी के धन के बारे में, पत्नी के भाग्य के बारे में, तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि गुरु जी हमारे पत्नी की कुंडली नहीं है, मेरे पत्नी की जो क्या जन्म तारीख नहीं है, जन्म का टाइम सही नहीं है, उस वजह से उनकी जन्म कुंडली नहीं बन रही, तो इसमें हम क्या करें। इसलिए मैंने क्या है कि आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म का टाइम सही नहीं है, जन्म तारीख सही नहीं, तो आप अपने पत्नी का हाथ देखकर भी आप जान सकते हैं कि उसके जीवन में अच्छी बुरी घटना कौन सी है, उसके जीवन में भाग्यशाली योग है या नहीं है, उसके जीवन में धन योग है या नहीं है, उसके जीवन में गुप्त धन योग है या नहीं है, ये आप उसका हाथ देखकर भी आप जान सकते हैं। या ये अगर कोई महिला ये वीडियो देख रही है तो खुद महिला अपना हाथ देखकर वो जान सकती है, क्योंकि जो हमारा आज का वीडियो वो सिर्फ महिलाओं के लिए, महिला के हाथों के बारे में आज हम इसमें जानकारी देने वाले हैं। हमारे वीडियो की जानकारी से आप अपने पत्नी का भी आप हाथ देख सकते हैं, आपकी जो बहन है उसका भी आप हाथ देख सकते हो, या कोई आपकी माता हो, आपकी जो पुत्री हो उसका भी आप हाथ देख सकते हैं, क्योंकि जो हम आज वीडियो बना रहे हो महिलाओं के लिए वो वीडियो है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी बहन हो, तो आप उसका हाथ देख सकते हैं। तो क्या है ना कि दोस्तों, अगर ऐसी हाथों पर जो रेखा है किसी महिला की हाथों पर, तो उसे भाग्यशाली कहते हैं, उसे धन रेखा कहते हैं, उसे भाग्यशाली रेखा कहते हैं, और उसे गुप्त धन रेखा भी उसे कहते हैं। उस महिला को कम काम में ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उस महिला की जिस घर में शादी होती है उस घर में धन संपदा बढ़ जाती है, उस घर में सुख शांति बढ़ जाती है। और क्या है ना कि दोस्तों, कि जो महिला का, जो पत्नी का जो भाग्य होता है वो पति को भी साथ देता है, और ऐसी महिला जिस घर में जाती है तो उसका जो पति वो धनवान होता है वो और भी ज्यादा धनवान बनता है, या उसके जो जो महिला का भाग्य होता है उसके भाग्य से वो पति को साथ मिलता है, तो उसका जो काम होता है उस काम में उसको बढ़त मिलती है, कोई अगर वो व्यापार करता है तो उसको व्यापार में बढ़त मिलती है, या उसको अगर कोई नौकरी करता है तो नौकरी में उसको प्रमोशन मिलता है, क्योंकि महिला का जो पत्नी का जो भाग्य होता है वो पति को साथ देता है। लेकिन क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपके पत्नी के हाथों पर ऐसी रेखा नहीं है तो वो भाग्यशाली नहीं है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है, क्या वो भी भाग्यशाली है, अगर आपके पत्नी के हाथों पर रेखा नहीं है तो वो भी भाग्यशाली है, लेकिन कम भाग्यशाली है। अगर आपके पत्नी के हाथों पर ऐसी रेखा है, आज जो जिस रेखा के बारे में मैं आज बताने जाने वाला हूँ, तो अगर आपके पत्नी के हाथों पर ऐसी रेखा तो ज्यादा भाग्यशाली है। लेकिन क्या है कि इसका अगर आपको लाभ लेना है तो पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस घर में पति पत्नी में प्यार है वहां लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में धन संपदा होती है, सुख शांति होती है। अगर जहां पर प्यार नहीं, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं, वहां पर वो घर में उसे स्मशान भूमि कहती है। तो क्या है कि जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, नारी शक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्मांड बना है, जो दुनिया बनी है, जो विश्व बना है, वो नारी शक्ति से ही बना है। और वो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के जो भगवान है, जो त्रिदेव है, ब्रह्म देव विष्णु भगवान भोलेनाथ, ये भी नारी शक्ति के बिना अधूरे है। इसी वजह से कि हर जो अगर कोई इंसान बड़ा बनता है, कोई कामयाब इंसान बनता है, उसके पीछे नारी शक्ति का हाथ होता है, चाहे वो उसके वो माता के रूप में हो, चाहे उसके पत्नी के रूप में हो, चाहे उसके बहन के रूप में हो, लेकिन उस कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन लोग है ना, छोटी छोटी बातें लोग समझते नहीं है क्या। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं का सम्मान करिए, पत्नी का सम्मान करिए, कभी उसका दिल मत दुखाइए क्या। तो तभी आपका जो उसका जो भाग्य, उसके भाग्य का आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, या उसको लाभ मिलेगा या आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर उसका आप सम्मान करते, उसका आप प्रेम देते, उसका भाग्य जाग जाता है। तो जो जिस रेखा के बारे में आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो रेखा अगर आपके पत्नी के हाथों पर है, या आपकी जो पुत्री उसके हाथों पर है, या आपकी बहन हो, आपकी माता हो, कोई हो, किसके हाथों पर है, तो
तो उसके जीवन में क्या है ना, उसको अचानक से कभी पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक से कोई लॉटरी भी लग सकती है, अचानक से उसको गड़ा हुआ धन भी दिख सकता है, अचानक से उसे गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है क्या, या अचानक से उसे गड़े हुए धन के बारे में उसे संकेत भी मिल सकते हैं, उसको वो सपनों के द्वारा हो या रियल के हो, लेकिन उसको संकेत वो मिल सकती है, या उसके भाग्य से उसके जो उसका जो पति होता है उसको कुछ बेनिफिट मिले क्या। हो सकता है कि जो पत्नी का पत्नी अगर भाग्यशाली, तो पति अगर कहीं पर काम करता है तो पत्नी के भाग्य से भी उस पति को भी कहां पर वो धन मिल सकता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, चाहे वो गड़ा हुआ धन हो, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे बंगला गाड़ी हो, कुछ भी हो। तो ये इस रेखा का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हाथों का विश्लेषण होना भी बहुत जरूरी है। तो कौन सी रेखा है, वो कैसे देखने की, तो ध्यान से सुनिए। कैसे है ना कि जो महिला होती है तो महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखा जाता है, लेफ्ट हैंड यानी बाया हाथ। तो कैसे देखने का कि जो आपका जो बाया हाथ है, लेफ्ट हैंड है, तो उसका जो निचला हिस्सा होता है, जो निचला भाग है, जो निचले भाग से हाथों के बीच बीच में से एक रेखा निकलती है, हाथों के बीच में से एक रेखा, यहां से रेखा निकलती है, ध्यान से देखिए, यहां से रेखा निकलती है और वो सीधे शनि पर्वत पर रेखा जाती है। शनि पर्वत यानी जो बीच की जो उंगली होती है बीच में की, तो उसका जो नीचे का भाग है वो उसे शनि पर्वत कहते हैं। तो ये नीचे से वो रेखा यहाँ पर शनि पर्वत पर वो जाती है और वो रेखा सीधी होती है, स्पष्ट होती है, गहरी होती है। अगर ऐसी सीधी स्पष्ट गहरी रेखा नीचे से जाती हुई शनि पर्वत तक वो जा रही है आपके हाथों पर, तो उस रेखा को धन रेखा कहते हैं, उसे भाग्यशाली रेखा कहते हैं, उसे गुप्त धन रेखा भी उसे कहते हैं। लेकिन उस रेखा पर कोई काटछाट, कोई तिल वो नहीं होना चाहिए क्या, और वो स्पष्ट और गहरी होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो ये अगर ऐसी रेखा आपके हाथों पर है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, चाहे आपकी माँ हो, कोई भी महिला हो, क्योंकि आज का जो हीरो महिलाओं के लिए, तो 100% वो भाग्यशाली। लेकिन उसका अभी लाभ कैसे लेने का, क्या लेने का, ये आपके आपके मन पर वो निर्भर है क्या, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक भविष्य देखने का माध्यम है, लेकिन उसके लिए कैसा कि कुछ जो आपने जो कर्म होते वो भी सही होने चाहिए, क्योंकि भगवान तो मतलब अगर आपको देगा तो भगवान अपना मतलब आपके सामने वो जो खाने की थाली वो आपके सामने वो रखेगा, तो वो खाने की थाली में से आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, वो आपको वो खाना पड़ेगा, आपको अपने हाथों से वो खाना पड़ेगा। भगवान तो मतलब उसके हाथों से तो आपको खिलाएगा नहीं क्या। तो ऐसी बातें होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।